विकासनगर में बहुत जल्द लोगों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही इलाके में बेहतर सीवरेज सिस्टम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ विकासनगर निगम पालिका सभागार में ब्लूप्रिंट के जरिए शहर के सीवरेज और ड्रेनेज प्लान को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान विधायक ने 535 करोड़ से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंट एजेंसी टाटा इंजीनियर से भी जानकारी ली। आपको बता दें कि विकासनगर में बहुत जल्द 24 घंटे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को तैयार कर लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को 565 करोड़ रुपए की लागत से ईएमएस लिमिटेड कंपनी तकरीबन 3 साल में बनाकर तैयार करेगी। प्रोजेक्ट में शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक खास बात मैं बताना चाहूंगा। विकासनगर पालिका क्षेत्र के लोगों को ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक बहुत व्यापक उद्देश्य से लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत ये प्रोवाइड किया गया कि 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई होगी। 24/7 जो बदलता है स्वरूप नगरों का, कोई रात को काम पे जाएगा, कोई रात को लौटेगा, कोई 12 बजे रात को भी उसको पानी की ज़रूरत होगी, किसी को 4 बजे सुबह भी होगी। तो इसलिए 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई होगी, एक बात। दूसरी बात, इसका जितना भी सब मीटरिंग इत्यादि फलाना और तमाम सारी और चीज़ें हैं, कैसा चल रहा है, सप्लाई चल रही नहीं चल रही, इसकाडा कंट्रोल्ड होगा। ये सब आप अपने कंट्रोल रूम में बैठ करके उसमें सब काम होगा। तीसरा काम, हमें ज़मीन को भी यथासंभव बचाने का प्रयास, इसलिए जो ओवरहेड टैंक्स बनेंगे, जैसे आप देखते हैं हम ऐसे ऐसे करके चौथी पांचवी मंजिल पे टैंक बनता है, तो नीचे के जो 3 मंजिल की ऊंचाई बची है उसको भी हम केवल वो पाइप दिखाई दें, उसके नीचे भी उसको ऑफिस स्पेस वगैरह कुछ कार्व आउट करेंगे, कोई कॉमर्शियल स्पेस कार्व आउट करेंगे, ताकि ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली भी वायबल बने।